नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार कैरी में। धनखड़ की संगठनात्मक संरचना के मुरीद हुए जेपी नड्डा। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठकों के आयोजन और अभियानों में दिखा कार्यकुशल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा प्रवास मनोहर सरकार और संगठन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। दो दिन के प्रवास पर नड्डा ने जहां सरकार का कामकाज का अवलोकन कर सार्वजनिक मंच से उसे सफल बनाया, वहीं संगठनात्मक रचना को देख कर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की कार्यशैली से प्रभावित भी हुए। अंबाला के बलाना मंडल में लेकर कैथल से रैली तथा पंचकुला चंडीगढ़ में संगठनात्मक बैठकों में धनखड़ की संरचना नड्डा को पसंद आई। भाजपा मीडिया प्रमुख डॉक्टर संजय शर्मा का कहना है कि नड्डा ने धनखड़ के कार्यकौशल की छवि कार्यकर्ताओं में दिखाई दी। कोरोना काल के दौरान धनखड़ की अध्यक्षता में चलाए गए अभियान सेवा और समर्पण, तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा अभियान व दर्जनों कार्यों की सफलता से गदगद नड्डा ने सार्वजनिक रूप से धनखड़ की कार्य पद्धति की खुलकर दिल से सराहना भी की। नड्डा के संगठन विस्तार और भाजपा की साख प्रदेश में ज़्यादा बढ़े, इसके लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए। शर्मा का कहना है कि संगठन के कामकाज को लेकर भी नड्डा की काफ़ी प्रशंसा की। 2014 के बाद 2019 में सरकार बनाना भाजपा की नीतियों का ही करिश्मा है। धनखड़ ने बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को जनसेवा के प्रति जागरूक किया और उनमें जोश भी भरा। नड्डा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की कार्यकुशलता और उनके कार्यकर्ताओं में जोश को देखकर उनकी काफ़ी तारीफ भी की। हरियाणा में 39 साल बाद हुई भाजपा प्रदेश परिषद की बैठक। आपको बता दें कि 1982 में हुई थी पहली बैठक। उसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की नियुक्ति जैसे ही हुई, उसी दौरान मंगलसेन जयंती और भाजपा के 7 साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भाजपा प्रदेश परिषद की बैठक भी ली, जिसमें लगभग 3000 से अधिक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि भाजपा के 7 साल पूर्ण होने पर 15,438 बूथों पर 5,54,482 परिवारों से संपर्क किया गया, जिसमें 35,000 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। संजय शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के 2 साल के कार्यकाल की जमकर प्रशंसा भी की।